हेलो प्यारे बच्चों, देखिए ये है आपकी कार्यपत्रक संख्या 7 जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है और आपको 16 अक्टूबर 2020 को करनी है। तो देखिए आप सभी बच्चे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर ज़रूर लिखेंगे। बेटा हमेशा टॉपिक भी लिखिए, जो भी आप वर्कशीट कर रहे हैं उसका टॉपिक भी लिखना ज़रूरी होता है। तो आज का टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणा। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई, गाँव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब उपरोक्त जो वाक्य हैं ये सत्य हैं क्या? नहीं, ये सब रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ये क्या होती हैं? तो देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जो हमारे वंश, हमारे भाषा, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे धर्म लिंग के कारण ऐसा सोचा जाता है, तो उनको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो हमें ऐसी धारणाओं को नहीं रखना है और आज हम उन्हीं के बारे में इसलिए पढ़ने वाले हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखा जाता है जो पहले से ही समाज ने सोच रखा है। तो ऐसा जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, जो पहले से ही सोच लिया, पहले से ही धारणा बना ली। तो इस प्रकार की धारणाओं में हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देता है, जबकि हर इंसान के अपने अलग गुण होते हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, और हम उन चीज़ों को बिना देखे सिर्फ उन धारणाओं पर ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो अब देखिए आज हमें वर्कशीट में क्या करना है, आज अपने आप लिखेंगे, आप अपने मम्मी पापा से जानेंगे और अपने आसपास जो आपने अभी तक सुना है वो सब आपको लिखना है, क्योंकि ये अवेयर करना है आप सबको, ये चेंज लाना है। और चेंज कहाँ से शुरू होता है? चेंज हम से शुरू होता है। तो आज आप इन चीज़ों को, निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण लिखेंगे आप। जैसे पश्चिमी कपड़े, वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं, वो ड्रेसेस छोटी छोटी होती है, तो लोग क्या कहते हैं, आप ऐसा नहीं पहनोगे या ये डिज़ाइन के कपड़े नहीं पहनोगे, क्या ये कठे पठे कपड़े पहन लिए, या फिर जैसे ऊपर कहा गया गांव वाले तो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो इस तरह से और भी बातें जो आपको पता चली होंगी, आपने सुनी होंगी कि गाँव वालों के बारे में क्या बोला जाता है या विदेशी लोगों के बारे में क्या बोला जाता है, आपको आज वो सारी धारणाएँ लिखनी हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें कि ये सिर्फ किसी की सोच थी, जो धारणाएं लोगों ने उन्हें बना लिया कि अब वो सब लोगों को पक्की धारणाओं में बांधकर और उस छवि को बांध कर रखना चाहते हैं जो कि गलत है। और इसी तरह से लड़के और लड़कियों से जुड़ी कोई 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं भी आपको लिखनी है। जैसे आपको यहाँ पर ये बताया गया, देखिए लड़के रोते नहीं हैं, लड़के घर से बाहर जा सकते हैं, लड़कों को घर का काम ना आए लेकिन वो पढ़ाई करें, लड़कियों को घर का काम करना है, लड़कियां 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी, लड़के बाहर कभी भी जा सकते हैं, ये लड़का है तो वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसी सब बातें जो आज तक आपको लगता था कि ऐसा क्यों है, तो आज अब उन सबको आपको पेन डाउन करना है, यानी कि आपको वो कॉपी में लिखना है। जैसे आप यहाँ लिख देंगे लड़के, तो उसके बाद आपको लड़के जो आप सोचते हैं या जो रूढ़िबद्ध कहानियाँ बातें आपने सुनी हैं वो सब वाक्य आप इनके अंदर लिख देंगे। और इसी तरह से फिर जब आप लड़कियों का लिखेंगे तो लड़कियों के लिए भी आप इसी तरह से पहले नीचे लिखेंगे लड़कियाँ, और फिर लड़कियों के लिए आपने क्या क्या बातें सुनी हैं, जैसे 2 यहाँ पर दी गई हैं। इस तरह से आपको अपने वो सारे विचार, जो रूढ़िबद्ध धारणाएँ आपको पता चली, वो सब आपको लिखने हैं। और ये क्यों लिखवाया जा रहा बेटा? क्योंकि जो चेंज शुरू होता है, जो अंतर आता है, जो हमारी सोच बदलती है,
उस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी सोच बदलनी है, तभी मैं किसी और को चेंज कर सकती हूँ। तो आज हमें इस चीज़ को समझना है और सबको जागरूक बनाना है इस बारे में। तो इसी तरह से बेटा आपको अपना काम किताब में से भी पढ़ेंगे आप इस चैप्टर को, और अपना ये जो किया दिया गया है काम इसको करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मैंने कोई वाक्य आपको खुद लिख के नहीं दिया, सिर्फ बताया है, आपको रास्ता दिखाया, आपको दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि आप अपने आप उन्हें लिखिए और उन्हें समझिए। इसी तरह से सीखते रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।